हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डबल शेड कैसे देते हैं किसी फॉन्ट में वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक सिंपल जैसे ब्लैक कलर में मैंने लिखा हुआ है, तो टर्किश ब्लू कलर में जैसे मैंने यू बनाया, और फिर हमें क्या करना है किसी भी डार्क कलर से जिसके हमें शेड देनी है उसको हमें उसके ऊपर कर देना है। ऊपर की साइड से डार्क करना है तो ऊपर से, नीचे से करना है डार्क तो नीचे की साइड, आप इस तरह से ये फॉन्ट लगा देंगे। ये मैंने कोट लगा दिया इसमें डार्क कलर का। अब ये लगाने के बाद आपको ब्रश धोना है, तो ब्रश को पानी लेना है ब्रश में सिंपल, और फिर आपको क्या करना है जो ये है इसको यहाँ से पानी के साथ लेकर जाना है नीचे की साइड और इसको स्प्रेड कर देना है। दोबारा से ब्रश को धोना है और फिर इसे नीचे से लेकर आना है पानी का साथ। डबल शेड ऐसे सेकेंड में करना, ये अब नीचे से लेके जाना है पानी के साथ लाइट कलर को ऊपर वाले के साथ मिक्स कर देना। आपको बस बार बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ब्रश है उसमें डार्क कलर नीचे ना लग जाए, तो इसलिए आपको बार बार ब्रश को वॉश करना पड़ेगा जब भी आपका ये डबल टोन आएगी, अदरवाइज वो ऑन आपकी सब जगह मिल जाएगी। जैसे ये ऐसी एन को बना रहे हैं, ये पहले पानी को थोड़ा ये जो डार्क ब्लू कलर है इसको बदला कर देते हैं, कोट लगा कर छोड़ेंगे तो ये इसमें भूल जाता है, तो फिर हमारा बैठने होता है शेयर करेंगे। ये डार्क कलर लग गया तो हमने ब्रश में लगा उस चक्कर में, तो आपको बस ब्रश को वॉश करने के बाद अगर वो ब्रश वॉश रहेगा तो वो साफ पानी अगर उसमें रहेगा तो आपकी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही सेम हम करेंगे, मैं विदाउट लाइन्स के कराऊंगी कलर, आप लाइन्स के साथ भी कर सकते हैं। आपको कितने पोर्शन में अप्लाई करना है, कितने में डाल करना है ये भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप लाइट पोर्शन को ये वाली मिक्सिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आपका डाल कलर वापस आ जाएगा और फिर वो आपका जो पैटर्न जो आप बनाना चाहते हैं शेड में करूँ वो नहीं बन पाएगी। ये पीस मैंने बना के बना दिया पहले, तो ये आपका इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ये डबल कलर में ये शेड